नमस्कार भाई सभी को। तो आज हम एक बार पुनः एक वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें बताएंगे जो ट्रेनिंग के लिए आपके इंस्टीट्यूट में जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है। हम खुद नहीं कहते, चीज़ें आकर के देखते हैं, माहौल देखते हैं, आगे वाले से बात करते हैं, सिस्टम उनका देखने के बाद में एक विश्वास बनता है और वो विश्वास बनेगा तो ही वो खुल करके बोलेगा। कॉल भी आते हैं, सर आपके वहाँ कोई उत्तर प्रदेश से आया है क्या, आपके वहाँ से कोई हरियाणा से आया है क्या। SMG फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने का इतना बड़ा नॉलेज, इतनी बड़ी कला है, उसमें ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी आ भी चुके हैं और उसी विश्वास के साथ लगातार आ भी रहे हैं। एक बार जुड़ोगे ज़िंदगी भर याद रखोगे। आज मैं एक परिचय करवाने वाला हूँ, एक विद्यार्थी है जो बहुत दूर से बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं। आज ये वीडियो आपके सामने दूंगा और जिस दिन ये जॉब लगेगा उस दिन आपको एक फीडबैक दिखाऊंगा कि ये क्या बोलेगा, क्या बात मैंने कही थी, क्या वो चीज़ मिली या नहीं मिली। चाहे मुझे विद्यार्थियों के लिए कुछ भी करना पड़े, अगर जॉब दिलवानी है तो इतनी सत्यता और इतनी पावर के साथ में, इतनी विश्वासता के साथ में मैं आपको नौकरी दिलवाने का वादा करूँगा कि आप जब लगोगे तब खुद ही कहोगे कि सर जो आपने पहले दिन बात बोली वो आपने रख दी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी का मतलब इन विद्यार्थियों के 24 घंटे साथ में रहना पड़े, साथ में जाकर के फायर ऑफिसर के साथ बैठ करके इंटरव्यू लेना पड़े, पर इनको मैं इंटरव्यू देना, बोलना, आगे बढ़ना, हर चीज़ में उनका सहयोग करूँगा प्रॉपर। तो पहले इनका परिचय करवाते हैं, किस उम्मीद से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे इनको बिलीव हुआ कि ये सर अच्छा काम करते हैं, सिस्टम देखते हैं, क्या इनका अच्छा सिस्टम है या नहीं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शोभित पवार है, फादर नेम राजेश पवार, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, ये विद्यार्थी है गाजियाबाद से हैं और गाजियाबाद से आपने लगातार, आप मैं वीडियो डाल रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से फायर सेफ्टी के, तो आप हमारे चैनल पे कौन सा वीडियो या कब जुड़े, कैसे आपको पता चला कि फायर सेफ्टी का इस चैनल पे कुछ वीडियोज आते हैं, इस पे जुड़े? सर मैं 2-3 महीने से जस्ट आपकी वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो देखते देखते आपके बातों से कुछ ऐसा जाहिर हुआ, हाँ सर ये मेरे लिए जॉब दिलवा सकते हैं। तो कहने का घूम फिरा करके बात नहीं आ रही है कि सब खेल है कि कोर्स कर लेते हैं तो अपना एक आधार होता है भी। जब अपन 10th क्लास कवर करते हैं तो शिक्षा का अभाव होता है कि लगातार आगे वाले सेशन में ज़्यादा बुक पढ़ूँ, ज़्यादा नॉलेज एक्सेप्ट करूँ। 11वीं में एक सब्जेक्ट चुन लेते हैं, 12वीं में एक सब्जेक्ट चुन करके उस सब्जेक्ट पे पूरा कार्य करते हैं और एक अपने उच्च परसेंटेज लेकर के एक परिणाम हासिल करते हैं और घर वाले शाबाशी देते हैं। जैसे ही 12वीं कवर कर लेते हो एक बोझ आ जाता है। कौन सा बोझ? पढ़ाई तो देखो एक अनुशासन है, एक व्यवस्था है, दिमाग को स्थिरता रखना, सही तरीके से चलना, सही परिवार को आगे लेकर के चलना, हर चीज़ की एक व्यवस्था बनाई गई है। अब साथ में ज़रूरी है अपने को किसकी अर्निंग की, अपने को मनी भी चाहिए, धन होगा तो परिवार चलेगा, सब चीज़ें उसी पे टिकी हुई है। वो कब है? जब आप सुचारू रूप से सब जगह पे प्रॉफिट अपना परफेक्ट हो गए कि मुझे क्या करना है, कैसे चलना है इस जीवन में, किस प्रकार से लोगों से मिलना है, वो सारी चीज़ें 12वीं तक अपन कवर कर लेते हैं। अब जब बात आती है मनी की तो अपने को सीधी तो घर बैठे मिलती नहीं, बहुत कम चांस होते हैं जो बता कंटिन्यू बेस पे कोई एक बेस की तैयारी करके उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर प्राइवेट कंपनियों में कहीं जॉब करने की इच्छुक होता है तो वह कंप्यूटर लाइन में जाने की कोशिश करेगा और कंप्यूटर में उनका दिमाग नहीं है तो ऐसे प्रैक्टिकली फील्ड देखेगा जिसमें उसको तुरंत जॉब मिले। तो इनका भी यही एक सपना था कि मैं एक फायर सेफ्टी की फील्ड होती है जिसमें काम करूँ, जिसका लेज लूँ, उसके बाद में अच्छा काम करूं। और वाकई में इंडिया में इसका स्कोप बाहर से थोड़ा कम है पर इसका स्कोप आगे आने वाले समय में बेहतरीन स्कोप है। जुड़ोगे, फिर मैं कहता हूं सही तरीके से, सही चीज़ों से जुड़ोगे तो आपको और चीज़ें अच्छी मिलेगी। एक चीज़ और पूछता हूं, आपने जब वीडियो में देखा कि सिस्टम फिजिकल करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, बच्चे इनके पास में हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं और फायर में सबसे बड़ा महत्व होता है प्रैक्टिकल इक्विपमेंट का, तो जो चीज़ें आपने देखी वीडियो में क्या आपको वो मिली या दिखावटी थी? ना सर, हमें मिली सब, जो वीडियो में देखा सब देखने के लिए मिला। इक्विपमेंट की बात करें तो वो आपको लगभग सारे इक्विपमेंट अपने लैब में मिले। अभी उस इक्विपमेंट को देखते ही एक बिलीव होता है कि अपन इन सर के पास में चले और पढ़ेंगे और लास्ट में एक स्थिरता, एक जॉब, एक स्थाई अपना एक काम हासिल होगा। तो इसीलिए इसी विश्वास में ये आए हैं। दोबारा बता देता हूँ, गाजियाबाद, पूरा एड्रेस अपना बताओ। जी सर, पूरा एड्रेस गाजियाबाद। सर गाजियाबाद, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आप बिलोंग करते हो ना, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से ये है। तो जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं
बिलीव कीजिए, जिनको ट्रेनिंग लेनी है, जिनको फायर सेफ्टी में कुछ करके दिखाना है, अच्छे पद पे जाना है, अच्छी नॉलेज लेनी है, तो इसी विश्वास के तहत हम आगे और आपको वीडियो देते रहेंगे और ट्रेनिंग के पार्ट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरव्यू से संबंधित और चीज़ें बताएंगे, जो कैंडिडेट आते हैं पहले उनका क्या नॉलेज होता है, जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद में उसका क्या नॉलेज होता है, आगे क्या पूछा जाता है, तो लगभग फायर सेफ्टी के कंप्लीट चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने बताई वो चीज़ें इस विद्यार्थी ने भी बताई है, हम भी बता रहे हैं प्रॉपरली आपको मिलेगी। तुरंत आइए, तुरंत एक्शन लीजिए और तुरंत प्रभाव से अपनी ट्रेनिंग लेके अच्छा प्लेसमेंट लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और भी अच्छे नॉलेज, अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।